12 अप्रैल 2023 शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एनसीएन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस एनसीएन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन सो ऑन अब 1/2 टू दी एनसी वन प्लस एनसी जीरो इक्वल टू 255/8 एन का वैल्यू क्या है। सीधा सीधा हमने देखकर एक्सप्रेशन ही लग गया इंटीग्रल क्या है बेसिक एक्सप्रेशन जो 1 प्लस एक्स टू दी एन का है। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखो तो क्या लिखोगे एनसी जीरो प्लस एनसी वन एक्स प्लस सो ऑन अप टू एनसी एन माइनस वन एक्स टू दी एन माइनस वन प्लस एनसी एन एक्स टू दी एन ये लिखोगे। अब क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखना जब इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा तो उसको अवॉइड करने के लिए आप देखो कोफिशिएंट बनाएगा ये तो वन रख लेते हैं और एक में कोफिशिएंट बिल्कुल खत्म करा देंगे तो इसलिए जीरो तो जीरो से वन तक इसको इंटीग्रेट करो तो वन प्लस एक्स टू दी एन डी एक्स जीरो से वन इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा एनसी जीरो एक्स लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो वन का वन जीरो का जीरो बन जाएगा प्लस एनसी वन एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स स्क्वायर में वन डालोगे तो वन आ जाएगा जीरो रखेंगे जीरो बन जाएगा। ऐसा ही सिमिलरली करते करते यहां तक आओगे एनसी एन माइनस वन एक्स रेस टू दी एन बन जाएगा और वन रखोगे तो वन आ जाएगा और नीचे एन जीरो वाला तो जीरो बन जाएगा। सिमिलरली इसका भी देख लो तो अपॉन एन प्लस वन देखो सेम चीज मिलने लगा हमें मिल गया एक्जेक्टली। इसको कर ले तो क्या करना है वन प्लस एक्स टू दी एन प्लस वन तो वन प्लस एक्स टू दी एन प्लस वन को वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टू रेस टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और जीरो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन टू दी एन क्योंकि वन के बराबर ठीक है विच इज इक्वल टू ये इसका वैल्यू कितना दे रखा है 255/8 विच इम्प्लाइज देखो हम जानते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 8 ये होता है 52 56 2 रेस्ट टू द पावर 8 इज इक्वल टू 256। आप यहां रख के देखो अगर इसको 8 बनाए इसको तो ये तो 256 हो जाएगा माइनस 255 हो जाएगा बिल्कुल सही है और ये 7 आ जाएगा इसका मतलब यहां से आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 7 भाई एन सेवन रखो तो ये 8 डेनोमिनेटर बन गया एन सेवन रखे तो ये 8 256 माइनस 1 255 तो एन इक्वल टू 7 करेक्ट आंसर इसका आ गया। आपने इसका इंटीग्रेशन तो समझाई होगा एनसी जीरो एक्स उसका कहने का मतलब ऐसे हमने किया है आप ऐसे समझ लो एनसी जीरो एक्स और लिमिट सब्सटीट्यूट कर साथ में डाल दिया तो ये फाइनली यहां बन गया। ऐसा नहीं इसका भी ऐसे तो ये आप ध्यान देना ठीक है बाकी आपके पास एन इक्वल टू 7 आंसर आ गया।